वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में कवर किया जाएगा टाइप ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी के प्रकार अकॉर्डिंग टू बर्न, अकॉर्डिंग टू बर्न, बर्न ने केस स्टडी को पांच टाइप में डिवाइड किया। एकस्टीन, इन्होंने केस स्टडी को छह टाइप में डिवाइड किया। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्न, बर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने पांच टाइप में डिवाइड किया केस स्टडी को। नंबर फर्स्ट है व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन, यानी इंडिविजुअल केस स्टडी। इसका मतलब यहाँ पर यह होता है जब किसी व्यक्ति के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी कलेक्ट करनी होती है तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके फ्रेंड से पूछते हैं अक्सर, या उसके रिलेटिव से पूछेंगे। अगर उसने कोई अपनी आत्मकथा लिखी है उसको पढ़ेंगे, या उससे संबंधित इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, या एक चीज हो सकता है कि उन्होंने अपना एक डायरी लिखा हो जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में अच्छे से जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज यही है कि हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी कर प्राप्त करना हो तो हम उसके पूरे पृष्ठभूमि यानी उसके पूरे डिटेल को खंगालते हैं, तब जाकर के हमें एक अच्छा इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। हिस्टोरिकल केस स्टडी यानी ऐतिहासिक केस स्टडी से इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि अगर किसी के विकास के बारे में पता लगाना हो कि अभी वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही है, यानी उसका हिस्ट्री क्या रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं केस स्टडी का। जैसे कह सकते हैं कि अगर कोई बाल अपराध कर दिया किसी व्यक्ति ने या किसी युवा ने बाल अपराध कर दिया, तो अब हम उसके परिस्थिति को टैकल करते हैं, यानी पता करते हैं कि अगर ये अपराध हुआ तो किस माध्यम से हुआ, हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, एग्जाम्पल ग्रुप में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और इसका माध्यम क्या क्या हो सकता है, हम उस व्यक्ति का साक्षात्कार करेंगे यानी इंटरव्यू लेंगे, या एक ऑप्शन और होता है ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम ये चीज पता। केस स्टडी ऑफ कम्युनिटी, जब हम किसी समुदाय का अध्ययन करते हैं यानी केस स्टडी करते हैं, इस वक्त क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का अध्ययन नहीं करते हैं, यानी एक पूरे समुदाय के बारे में डिस्कशन करेंगे, और या कह सकते हैं समूह जाति के रूप में डिस्कशन करेंगे। इसी भी यहाँ पर एक थ्योरी इन्होंने दिया है श्रीमती यंग ने, इन्होंने ये कहा कि जब हम केस स्टडी करते हैं तो उस वक्त हम पूरे कम्युनिटी की खोज करते हैं, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम उनमें बौद्धिक कुशलता यानी स्किल, एक्सपीरियंस और सतर्कता के साथ हम उस इसका क्या करते हैं, खोज करते हैं। अगला देखते हैं ऑब्जर्वेशनल केस स्टडी यानी अवलोकन संबंधी मामले का अध्ययन। जब हम किसी व्यक्ति को देख करके उसको समझ करके ऑब्जर्व करके हम अध्ययन करते हैं, इस केस के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे किसी शराबी के बारे में, या किसी टीचर के बारे में, या किसी स्टूडेंट के बारे में, या कह सकते कोई यूनियन लीडर हो, या कोई ऐसी घटना हो लाइफ की उस पे, या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो उसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं, किस माध्यम से, ऑब्जर्व करके। अगला देखते हैं क्लिनिकल केस स्टडी का मतलब यहाँ पर यह होता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर गहराई से अध्ययन करना। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई ऐसा पेशेंट आया हॉस्पिटल में, उसका प्रॉब्लम ज्यादा ही क्रिटिकल है, तो उस चीज को हम डेप्थ में जानकारी लेते हैं। या यहाँ पर ये कह सकते हैं जो जेल में कैदी होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है तो हमें उनकी पूरी पृष्ठभूमि जाननी पड़ती है। या एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि कोई महिला है, घरेलू प्रताड़ना से आजाद करना, यहाँ पे एग्जाम्पल और दे सकते हैं। या कोई एक व्यक्ति है, या एक बच्चा भी हो सकता है, या एक किसी स्कूल का स्टूडेंट भी हो सकता है, इस पे हमें गहन अध्ययन कर सकते हैं। एक और जोड़ सकते हैं है हम, इसका नाम है मल्टी केस स्टडी। मल्टी केस स्टडी, इसके अंतर्गत हम कई एग्जाम्पल का सहारा लेकर के अवलोकन करते हैं यानी केस स्टडी करते हैं, जिसके अंतर्गत अधिक टाइम लगता है और हमारा अधिक मेहनत भी लगता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, अकॉर्डिंग टू एकस्टीन, यानी इन्होंने छह टाइप का अलग अलग परिभाषा दिया था।
नंबर फर्स्ट है कॉन्फिग्रेटिव आइडियोग्राफिक केस स्टडी, यानी जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपना समझ पैदा करते हैं, यानी उस पर एक सपोज करिए एक हमारे पास टॉपिक है, उस टॉपिक पर हमारी समझ पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आपकी एक किसी टॉपिक पर समझ पैदा हो जाती है तभी वो आपके अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। इसका वास्तविक सिद्धांत से बिल्कुल ही अलग रिलेशन होता है। नंबर टू में ये कहते हैं डिसिप्लिन कॉम्परेटिव केस स्टडी, यानी अनुसार से तुलनात्मक मामलों का अध्ययन। इस प्रकार के केस स्टडी में सभी प्रकार के मामले जो होते हैं वो होते हैं थ्योरी बेस्ड। जैसे एक अपराधी के बारे में हमें जानकारी लेना होगा तो उसके अलग अलग फाइलों को हम खंगाल लेंगे इसके अंतर्गत। नंबर अगला देखते हैं ह्यूरिस्टिक केस स्टडी। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है खोज करना। जैसे अगर हम किसी भी टॉपिक पर अपनी थिंकिंग पैदा करते हैं या अपनी समझ पैदा करते हैं तो साथ ही साथ हमें क्या करना होता है, उसके थियोरी बेस से जुड़ना पड़ता है। और किसी टॉपिक के बारे में जब हम सोचते हैं तो साथ ही साथ हमारी उत्तेजनाएं भी बढ़ती हैं। इसका मतलब यहाँ पर यही हो जाएगा कि हम कैसे खोज करेंगे। खोज करने के लिए किसी टॉपिक पे हम अपना रिसर्च शुरू भी कर सकते हैं इसमें।